अस्सलाम वालेकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मेरा नाम तौकीर हफीज़ है और मेरे चैनल का नाम है मल्टीपर्पज़ चैनल। और आज मैं आपको केले का मास्क बनाना बता रही हूँ, और बहुत ही आसान है, वो भी घर में और बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें, केला नज़र आ रहा है। केला आपको पक्का होना चाहिए, केला बिल्कुल पक्का पका हुआ होना चाहिए, जिसके छिलके इस तरह के हो जाएं, जो डार्क कलर के हो जाएं। तो ऐसे केले आपको इस्तेमाल करना है। और हमें इस मास्क में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, वो आपको इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इस्तेमाल करने हैं आपको, वो सब इसमें बता रही हूँ, ताकि आपके गोरे गोरा रंग हो जाए, फेयरनेस हो जाए और वाइटनिंग, गोरे गोरे बहुत प्यारे और बहुत अच्छे ग्लोइंग इफेक्ट आए। लोगों को गोरे होने का बहुत शौक़ है, तो मेरे से लोगों ने बहुत फरमाइश की थी, तो मैंने ये बिल्कुल होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जो केले का मास्क है। ये देखें, मैंने केले को इस तरह मैश कर लिया। इसको आप किसी पिलर से या किसी हवन दस्ते से या हाथ से आप इसको मैश कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैश कर लिया। और मैंने ये ग्लासरीन, ये देखें, ये ग्लासरीन जो है, मैंने ग्लासरीन, खालिस ग्लासरीन ले ली है एक चम्मच। ये देखें, इसमें मैंने ये चम्मच, देख रहे हैं आप, ये चम्मच में मैंने ग्लासरीन ले लिया और उसमें डाल दिया है, मैश कर दिया है। इसके अंदर मैं थोड़ी से, ये देखें, मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी को मैं ऐड करूँगी। आप ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। और ये देखें, इसको मैंने ऐड किया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, ये देखें, ये गाजर, यानी ये कैरेट, कैरेट को मैंने बारीक बारीक पीस लिया, यानी ये कद्दूकस कर लिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा सा लूँगी। ये देखें, आधा चम्मच या एक चम्मच ले लें, आपको जितना चाहिए उस हिसाब से, अपने चेहरे के हिसाब से ले लें। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया, ये डाला। और फिर उसके बाद मैं लूँगी कोकम्बर, यानी खीरा, ये भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और कोकम्बर को मैंने ये लिया, ये देखिए, कोकम्बर भी एक चम्मच ले लें। अब इसको आप एक पेस्ट बना लें, ये देखें, इसको एक पेस्ट बनाकर, ये बहुत बेहतरीन है, रंग बहुत ज़बरदस्त गोरा करता है, हद से ज़्यादा। आप इसको, इस लेप को आप 15 से 20 मिनट, यानी 15 से 20 मिनट इसको लगा रहने दें, और ये आपके चेहरे को रंग गोरा करेगा, खूबसूरत और फेयरनेस बढ़ाएगा। ये बहुत ही अफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा आपके चेहरे को टाइट करेगा, और रिंकल्स और झुर्रियाँ, झाइयाँ, ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उसको टाइट करेगा, और रंग बहुत तेज़ी से गोरा करेगा। एक हफ्ते में आप बहुत फर्क महसूस करेंगे। ये पाँव, हाथ, ये सब पर आप लगा सकते हैं। ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। और ये देखिए, इस तरह का ये बनाना लीजिएगा केला, तो इस तरह का बनाना, ये देखें, ये बनाना है ना, और इस तरह का पका हुआ लीजिएगा, कच्चा बनाना नहीं लीजिएगा, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर ये सब देखें, और ये देखें, आप ऐसी खालिस ग्लासरीन मिलती है, हमदर्द वालों की भी मिल जाती है, और ऐसे आम उसकी भी मिल जाती है आपको, ये ग्लासरीन। तो इस तरह की ग्लासरीन इसलिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपको एक मॉइस्चराइज़र, वैसे भी केला तो आपका मॉइस्चराइज़र ही आपको फराम करेगा, मगर इससे ये होगा कि आपके चेहरे में जो एक रूखापन आएगा, जैसे मिट्टी से आप मड जो मुल्तानी मिट्टी से आपके एक चेहरे में थोड़ा सा रूखापन आएगा, उसको ग्लो करेगा। और इस, ये बहुत अच्छी है होम रेमेडी है। आप इसे, अगर इसे आपको पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें रंग गोरा गोरा करें, और बहुत अच्छे कमेंट्स करें, रेड बटन दबा कर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।